ये कागड़ी तो बड़ी चालाक निकली। एक हाथ से मेरे हाथ में ये गुच्छा थमा दिया और दूसरे हाथ से मेरे हाथ में ये रसोड़े की मगज मारी दे दी। अच्छा बेवकूफ बनाया मुझे, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, लेकिन कैसे? अरे एक दर्जन लोगों का खाना बनाना कोई मजाक है क्या? लेकिन अब मैं क्या करूं, कहां से शुरुआत करूं? मम्मी, मम्मी को फोन करती हूँ। आ रही हूँ। हेलो। हेलो मम्मी। मम्मी मम्मी मैं बुरी तरह दलदल में फंस गई हूँ, अब बाहर निकलने में आप ही मेरी मदद कर दो ना। शुं बात छे मोदी खानदान नी मालकिन, तुझे मदद करने वालों की कोई कमी है क्या? और ऐसी क्या समस्या आ पड़ी कि तुझे मदद की जरूरत पड़ी? मम्मी आप एक बार बोलना शुरू करते हो ना तो बस बोलते ही चले जाते हो। मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल। कागड़ी ने मेरे हाथ में जो गुच्छा और जो औदा दिया है उसके पीछे का मतलब तो मैं समझ ही नहीं पाई थी। मम्मी आज जब मैं स्पा से लौटी तो घर में सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे, और वो भी इसलिए ताकि मैं खाना बनाऊं। हाय हाय मेरी फूल सी बच्ची, तू क्यों काम कर रही है? तुझे तो हुक्म चलाना चाहिए। मम्मी अब वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि मैं अभी क्या करूं? सुन, पहले फ्रिज खोल और देख के उसमें कौन कौन सी सब्जियां हैं और कौन सी बनानी है, फिर दाल साथ में सलाद कटवा लेना और अचार पापड़ तो होगा ही। ठीक है मुझे सब समझ में आ गया, मैं देखती हूँ। राशि बहन, मणि बहन और मैं आपकी मदद करेंगे, बताइए क्या करना है। बिल्कुल, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो तुम्हारा काम है। अच्छा मणि एक काम करो, फ्रिज में कौन सी सब्जियां देखो, उन्हें निकालो और मुझे बताओ। हेलो मम्मी। मैंने सब सुन लिया है, अब तो बेफिक्र होके बैठ। ठीक है मम्मी, अब मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। राशि बहन हम दो शाक बनाएंगे, एक तो ये आलू मेथी और बंद गोभी मटर। अच्छा तो ठीक है, अब एक काम करो जल्दी जल्दी शुरू हो जा और बातें कम करो, समझी? सबसे पहले ये शाक बनाना और फिर दाल, ये सब आधे घंटे में होना चाहिए। नहीं राशि भाभी, पौन घंटे से कम नहीं लगेगा। अच्छा तो ठीक है, अब जल्दी जल्दी करो, चलो चलो। अच्छे से काटना। जरा जल्दी जल्दी करो, आज तो मैं कितनी थक गई हूं, आज मैं इतनी थक गई हूं कि बस। तुमने ऐसा किया क्या है कि तुम इतनी थक गई हो? माँ, मैंने सोचा राशि घर पे ही होगी, लेकिन वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो बाहर गई थी, अब आ गई है, रसोड़े में है, रात का खाना बनाना है ना? हाँ माँ, अब तो उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी आ गई हैं, और ये जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए उसे बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, और वो जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से निभा सके उसके लिए उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। उस पर ध्यान देना और उसे बहुत खुश रखना। जी माँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। आज मैं अपनी बीवी के हाथ का खाना खाने के लिए बहुत बेताब हूँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करके मैं एक जिम्मेदार पति बनना चाहता हूँ। अच्छा Thank you.
वो काकी जी, वो बस मैं गोपी से कह रही थी कि क्या कि क्या कह रही थी कि जिगर जी अभी आते ही होंगे और वो ऑफिस से आने के बाद बहुत थके हुए होंगे। हाँ तो वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें याद है ना खाना तो तुम्हें ही बनाना है। हाँ तो फिर ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? वो घर में और कुछ काम नहीं था ना, तो वो यहाँ चली आई मेरा हाथ बटाने। हाथ बटाने का मतलब जानती हो? जब कोई किसी काम में व्यस्त हो तो उसे सहायता की जाती है, उसे हाथ बटाना कहते हैं। और तुम तो खाली बैठी थी। और किसने कहा कि ये दोनों, इनको कुछ काम नहीं है? इन दोनों को तो बहुत काम है। मणि जाओ, जाकर मंदिर के आसपास की सफाई करो अच्छे से, और हवन कुंडी उसे भी अच्छे से साफ करके रख दो। चल जा, दो बीच है। और तुम गोपी बहू, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी अलमारी में कुछ कपड़े पड़े हैं, उसे इस्त्री करने हैं। तुमने इस्त्री किए या नहीं? तो जाओ, जाकर इस्त्री करके आओ। जाओ। अब तुम्हारे जाने के लिए मैं मुहूर्त निकलवाऊं गोपी बहू? तो जाओ। राशि तुम बताओ, तुम्हें अगर किसी मदद की जरूरत है तो मैं करूं तुम्हें सहायता? नहीं, तुम जो भी कहोगी मैं कर लूंगी। खाना तो तुम्हें ही बनाना है ना, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं नहीं काकी जी, आप जाके आराम कीजिए, मैं कर लूंगी। खाली पेट आराम थोड़ी ना होता है। अच्छा बताओ ना, क्या सहायता करूं? वो ओहो, अच्छा ये टमाटर काट दूं? ये बताओ कि ये आलू को छिलकर इसके कुछ टुकड़े कर दूं, बड़े कर दूं या छोटे, या फिर वो मेथी है उसको और बारीक काट दूं, या फिर तुम कैसे करोगी? आलू मटर मेथी फूल गोभी पत्ता गोभी सबको मिक्स करके बनाओगी, या फिर मटर और आलू, या फिर आलू टमाटर? ना जो तुम कहोगी मैं तुम्हें सहायता कर दूंगी। बोलो। पता नहीं राशि बेन क्या कैसे कर रही होगी, उन्होंने तो कभी रसोड़े में काम ही नहीं किया, खाना कैसे बनाएंगी वो? साथ में